इस गिरजा के सामने में वो मूर्ति है शंकर कुमार जी का, कंपनी के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, अपनी कलिसिया के पावन कर्ता और शासक, यह शोभन है कि हम हर्ष पूर्ण स्वर से तेरे नाम का गुणगान करें, क्योंकि आज विश्वासियों का समूह समारोह के साथ इस प्रार्थना गृह को तुझे सदा के लिए अर्पित करना चाहता है। वहाँ वह श्रद्धा पूर्वक तेरा समादर करता, तेरे वचन से ज्ञान प्राप्त करता और संस्कारों से पोषित किया जाता है। यह भवन उस कलीसिया के रहस्य का प्रतिबिंब है जिसे कृष्ण ने अपने रक्त से पवित्र किया है, कि उसे अपने प्रतापी दुल्हन परम निश्चय कुमारी तथा प्रजा आत्मा के सामर्थ्य से पुत्रवती माता प्रदर्शित करे। पावन कलीसिया प्रभु की निर्वाचित हाथ वारी है, इसकी डालियां सारी पृथ्वी पर फैल गई हैं। उसका सहारा देकर हम अपनी टहनियों को स्वर्ग की ओर उठाए रखती है। सौभाग्यवती कलीसिया मनुष्यों के बीच ईश्वर का शिविर है। पावन मंदिर जो जीवित पत्थरों से निर्मित और प्रेतों की नींव पर स्थित है और जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु कृष्ण है। कलीसिया पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ नगर है जो सबके लिए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। वहाँ मेमना दीपक बनकर सदा चमकता है तथा संतों का मधुर गीत गुंजित होता है। अतः हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, इस गिरजे तथा इस मेरी को स्वर्ग की पवित्रता से परिपूर्ण कर दे। वह सदा पावन स्थान बना रहे और कृष्ण के बलिदान के लिए सभी सजाई में बन जाए। ये पिता दिव्य कृपा की धारा यहाँ मनुष्यों के पापों को बहाने जाए, जिससे तेरे पुत्र पुत्रिया पाप के प्रति भर जाकर अलौकिक जीवन के लिए आए। वहाँ तेरे विश्वासी भक्त बेने के चारों ओर इकट्ठे होकर आस्था के स्मृति मनाए और कृष्ण के वचन तथा शरीर से पुष्ट किए जाए। यहाँ प्रशंसा का मंगल गान बलिदान चढ़ाया जाए। जगदूतों के गान के साथ मनुष्यों का स्वर समृद्धि हो और जगत की मुक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना उठती रहे। यहाँ दीन दरिद्र दयादान और पद दलित सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करें। सब मनुष्य तेरे पुत्र पुत्रियों के योग्य प्रतिष्ठा से विभूषित हों और अंत में हर्ष मनाते हुए स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युग युग जीते रहते और राज्य करते हैं, आमीन। अभी हम लोग जो कर्म की देख रहे हैं और वो
Sembala Ramadhan, permission, dan berbagai macam.